नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 7 टाइम गोज ऑन, और आज हम इसमें करेंगे वीक्स एंड डेज। जैसे हमने ये पता किया कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 डे में कितने आवर होते हैं, और इसी तरीके से आज हम जानेंगे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। सो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होते हैं डेज 7। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वीक में कितने डेज हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? सिंपल, जैसे आपने आवर और मिनट का पता किया था, डेज का पता किया था, तो 1 वीक में, 1 वीक में 7 है ना, 1 वीक में 7, एक और 1 वीक लिया क्योंकि हमें 2 वीक का चाहिए, एक और 1 वीक ले लिया हमने और उसमें भी हो गए 7। तो ये दोनों कितने वीक हो गए मिलके? 2 वीक्स हो गए। तो इन डेज़ को भी आप प्लस कर लेंगे, ठीक है, ये जो डेज़ हैं इनको भी आप प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 14 डेज। तो 2 वीक में कितने डेज हो गए? 14 डेज हो गए। सिंपल तरीका और भी है इसका एक, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 14 डेज। ईजी है, कितना ईजी है। तो अब इसी तरीके से आप बताएंगे कि 3 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 4 वीक्स में, 5 वीक्स में एंड 6 वीक्स में कितने कितने डेज होते हैं। ओके, इसके साथ ही आप ये कुछ रिविज़न वर्क करेंगे। ये आप जो नंबर्स देख रहे हैं इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो 1s, 10s और 100 में मैंने लिखना बताया था वैसे ही आप लिखेंगे, आपने सेकेंड क्लास में भी ये किया होगा। तो इनको आप करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। मैं एक आपको बता देती हूँ फिर से, जैसे कि देखिए 450 आप सिंपल करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं है बिल्कुल भी। 4 है, जैसे 4 आपने पहले लिखा, 400 प्लेस पे क्या है? 4 है ना, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो 100 प्लेस पे क्या है? 4 है ना, 4। तो 400 में कितने ज़ीरो होते हैं? या आप ऐसे कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि 4 किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे है, तो ये आ गया 400। उसके बाद 5 देखिए, 10 के प्लेस पे है, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आ जाएगा 50, प्लस का साइन ज़रूर लगाइएगा, ये आ जाएगा 50। फिर 0 देखिए, 1s प्लेस पे है, तो 1s प्लेस पे क्या हुआ? 0 ही आप लिख देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये होता है इसका सही तरीका, लेकिन आप इजी तरीके से अगर करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा 4, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 4 लिखा और 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा दीजिए, फिर प्लस का साइन। 4 के बाद क्या है? 5, अब 5 लिख दीजिए, 5 के आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो 1 0, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर 1s प्लेस पे नेक्स्ट क्या है? 0, तो आप 0 को तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस के बाद, मैंने प्लस के बाद यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा, पर आपको यहाँ पे प्लस के बाद लिखना है 0। ओके, इसी तरीके से आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और नीचे आपको ये किलोमीटर में दिया हुआ है और इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है, आप मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, गुड लक।